हेलो गाइस, माय नेम इज़ कविता चौहान। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप का वर्क, तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एप्पल की इमेज ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू पर जाना है। न्यू पर हमें 9020108 लेना है। ओके, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। अब हमें एप्पल की इमेज लेनी है। एप्पल की मैंने यहाँ पे इमेज ले ली है। अब हमें एप्पल की इमेज को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, मैजिक से। ओके, ये देखिए मैजिक सिलेक्शन मेरा हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई। ये देखो, पहले मेरा सिलेक्शन बाहर बाहर आ रहा था, कंट्रोल शिफ्ट आई से मेरा सिर्फ एप्पल पर सिलेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे ये थोड़ा रिफ्लेक्शन, इसका शेडो आ रही है, इस पे रिफ्लेक्शन वो आ रही है सिलेक्शन। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल जे। ये देखिए मैंने अपना बैकग्राउंड हटा दिया है, मैंने सिर्फ इमेज ली है। और यहाँ पे हम लोग अभी आगे चल के हम लोग रिमूव करेंगे इसको भी नीचे। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे ये मेरा मूव टूल है, इसको हमें ड्रैग करना है सीधा। अब हम लोग यहाँ एप्पल को कुछ छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, जैसे मुझे कंट्रोल टी और यहाँ पे लॉक किया और ये देखो ऐसा कुछ। ओके, सेकंड में फाइल पे जाना है, दोबारा हमें ओपन पे करना है और इस टाइप के हमें कुछ इमेज लेनी है। मैंने यहाँ पे स्प्लैश की इमेज ली है, जो मैंने नेट से डाउनलोड की है। आप चाहे तो आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ मैंने दोबारा मैजिक लिया है। जब आपका मैजिक पे होगा तो मैजिक पे आपका कुछ इस टाइप का आपका आइकन होगा। ओके, आपको ऑब्जेक्ट पे इस टाइप का आइकन होगा, मतलब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा हमें मतलब सेलेक्ट करने के हमें ऑप्शन दे रखा है छोटा सा, कि हम मतलब तीनों देख सकते हो हमारे पास कौन कौन से टूल है इसमें। ओके, तो हमें मैजिक पर जाना है, यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन देना है। अब क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट आई करने से देखो मेरा सिलेक्शन सिर्फ पानी पे ही आया है, मेरे स्प्लैश पे मतलब सिलेक्शन आया है, मेरा कहीं बाहर नहीं गया। उसके बाद क्या करना है हमें, कंट्रोल जे। ये देखो मेरा यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड अलग हो गया है। तो अब क्या करना है हमें, सीधा इसको नीचे लेना है, लेफ्ट क्लिक करना है, इसको नीचे लेना है। और क्या करना है हमें, सीधा मूव, ठीक है, सीधा हमें ड्रैग करना है इस इमेज के ऊपर। अब ये पानी मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया और एप्पल मेरा कुछ छोटा लग रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो क्या करना है हमें, कंट्रोल टी करना है पानी पर, और यहाँ पे लॉक है मेरी इमेज इस तरह के। और कंट्रोल प्लस से क्या होता है हमारा जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, रैप पर जाना है। रैप पर हमें इमेज को थोड़ा मैच करना है, ऐसे हम लोग कर सकते, चाहे तो आप रोटेट कर सकते हो। मैं रोटेट कर रहे हैं 180, सॉरी, एंटर कर मैंने यहाँ 180 रोटेट कर रखा है। अभी देखो मेरा थोड़ा बैटर नहीं लग रहा है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, सीधा हम लोग इस तरीके से ही काम करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 180 दोबारा रोटेट कर देते हैं हम, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि पानी के अंदर से एप्पल निकलता हुआ। आप लोगों ने ऐड वगैरह देखी होगी कि कैसे मतलब पानी के अंदर से एप्पल, मतलब कोई जूस वगैरह की ऐड होती है, मतलब कैसे हम उसका पोस्टर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने एंटर किया सिंपल, और यहाँ हमें लेना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है हमें। और अगर मुझे ये मेरे एप्पल के यहाँ शेडो आ रही है, तो शेडो रिमूव करने के क्या करना है हमें, लेयर पर सिलेक्ट करना है, सिंपल मुझे मास्क पे क्लिक करना है और बी प्रेस करके ब्रश। और ये देखो, बाय चांस अगर आपका ब्रश काम नहीं कर रहा तो ये इतना ध्यान रखना, हमारा ब्लैक पार्ट ऊपर होना चाहिए, वाइट पार्ट नीचे होना चाहिए, तो हमारा ब्रश काम करेगा। ओके, ये देखो मैंने इतना पार्ट अपना रिमूव कर दिया, जो मेरा शेडो आ रही थी एप्पल की वो मैंने रिमूव कर दी है। और मुझे लग रहा है पानी आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ। आप क्या लेने हैं हमें यहाँ पे, यहाँ पे जो आपको फोर्थ आइकन नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे जाना है आपको ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ देखो मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन ले लिया है मैंने। आप क्या करना है हमें, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क।
उसके बाद हमें यहाँ से देखो आपका पानी का कलर चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ ऐसा करना है मुझे कुछ, ये देखो कैसा लग रहा है, अब मैच हुआ ना हमारा। जो भी हमारी जूस की जो हमारी एड वगैरह जो भी बनती है वो हमारी इस पे ही बनती है, मतलब एड वगैरह के लिए जो भी हम पोस्टर बनाते हैं वो हम सिंपल फोटोशॉप से बनाते हैं। ओके तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी फोटोशॉप की। ओके थैंक यू।